Assalamualaikum friends, welcome back to my channel. कैसे हैं सब? I hope आप ठीक होंगे. Friends, आज हम बनाएंगे unique style में potato snacks. Friends, आप भी जरूर try करना. और friends, वो snack time में बहुत tasty लगेंगे और चाय के साथ बहुत tasty. चलो, चलते हैं किचन में बनाने के लिए. आप भी जरूर try करना. फ्रेंड्स, हमें डो के लिए चाहिए एक कप मैदा, आधा कप आटा. अब हम मैंने इसको मिक्स कर लिया है. अब हम इसमें मसाले डालेंगे, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, जीरा, अजवाइन. अब हम इसमें डाल देंगे और मिक्स कर देंगे. फ्रेंड्स, अब हम इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और फिर इसको मिक्स कर देंगे. अब हम इसकी थोड़े थोड़े पानी डालकर हार्ड डो बनाएंगे. फिलिंग के लिए चाहिए हमने 2 पोटैटो को कद्दूकस करके इसमें 2-3 पानी डालकर अच्छी तरह से धोया और फिर हमने इसको एक कपड़े के अंदर रखकर अच्छी तरह से निचोड़ा. और फ्रेंड देखें, ये बिल्कुल ड्राई पोटैटो है. क्या कहते हैं, हरा धनिया और ग्रीन चिली, एक अनियन को हमने चॉप कर लिया है. एंड हमें मसालों में चाहिए सॉल्ट, लाल मिर्च, जीरा, कुटा हुआ धनिया, सूखा धनिया, सूखी मेथी और जितनी हमें बेसन की जरूरत पड़े उतनी हमने लेनी है. अब हम सारे इस पोटैटो में डाल देंगे. हल्दी बताना भूल गई थी, इसमें हल्दी भी डालनी है. अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालेंगे. जब हम इसको मिक्स करेंगे, फ्रेंड मैंने एक प्याली बेसन डाल दिया और हाथ के साथ अच्छी तरह से मिक्स किया है. और फ्रेंड्स, हमने इसमें पानी नहीं डाला क्योंकि प्याज का पानी भी अभी निकलेगा. अब हम इसको ढककर रख देते हैं. चलो, अब हम दूसरा काम कर लेते हैं. चलो, फ्रेंड्स, हमने 3 बॉल्स बना लिए. अब हम इसको ऑयल लगाकर इसकी पतली सी रोटी बेलेंगे. फ्रेंड्स, हमने इसको पतला सा बेल लिया है. अब हम किसी भी गोल कटर से इसको गोल कट कर लेंगे. फ्रेंड्स, पोटैटो जो है रखे रखे लिक्विडी हो चुके हैं. फ्रेंड्स, हमने पूरी उठाकर इसके ऊपर आलू का मिक्सचर एक साइड पर लगाना है. फ्रेंड्स, हमने जो है आलू का मिक्सचर नीचे रखना है और पूरी ऊपर रखनी है.